ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई बड़े अस्पताल। राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सब्जी मंडियों में आम लोगों के जाने पर बैन। हथीन में कोविड केयर सेंटर ना होने से मरीज परेशान। गंगा की बजाय अब यमुना में भी लोग कर रहे हैं अस्थि विसर्जन। फरीदाबाद में 1450 नए मरीज मिले, 728 हुए ठीक। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, दो गिरोह के चार लोग अरेस्ट। पलवल में किसानों को नहीं हुआ है गेहूं खरीद का भुगतान। चंडीगढ़ में अब नहीं लगेगा वीकेंड पर लॉकडाउन। दिल्ली के लिए भी ट्रेन से लाई जाएगी ऑक्सीजन, रेलवे ने कसी कमर। कनाडा दुबई से भी भारत आने पर बैन।